नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 30 जुलाई। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज मुख्यमंत्री नीतीश जाएंगे दिल्ली। बिहार के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। राजधानी पटना में शुरू हुआ ग्राम उजाला योजना। बिहार में बदला जीएसटी कानून। लालू यादव ने की तेजस्वी की काबिलियत की तारीफ। तो चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। 1 अगस्त से गया किउल रेलखंड पर दौड़ेगी 2 जोड़ी पैसेंजर मेमू ट्रेन। गया किउल रेलखंड पर रेल यात्री सुविधा को ध्यान में रखते हुए 2 जोड़ी पैसेंजर मेमू ट्रेन को पुनर्बहाल किया गया है, जिसका परिचालन 1 अगस्त से शुरू होने वाला है। जिसमें गया जमालपुर पैसेंजर स्पेशल 1 अगस्त से, जमालपुर गया पैसेंजर स्पेशल 2 अगस्त से, गया किउल पैसेंजर स्पेशल 1 अगस्त से, किउल गया पैसेंजर स्पेशल 2 अगस्त से परिचालित किया जाएगा। इन ट्रेनों में सफर करने के लिए आरक्षित टिकट कटवाना अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे वजीरगंज, नवादा, तिलैया, वारिसगंज, शेखपुरा, लखीसराय समेत अन्य क्षेत्रों के आम लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी। सरकार ने राजस्व के नुकसान की बात को स्वीकारा। बीते दिन कैग की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके तहत रिपोर्ट ने सरकार की पोल भी खोल दी है। ज्ञात हो बीते दिन कैग की तरफ से जारी किए गए रिपोर्ट में साल 2018 से फरवरी 2020 तक में 629 मामलों का खुलासा किया गया है, जिसमें सरकार को 3658.11 करोड़ राजस्व का नुकसान हुआ है। वहीं कैग की इस रिपोर्ट की पुष्टि तब हुई जब सरकार ने भी कैग की तरफ से जारी किए गए रिपोर्ट का समर्थन करते हुए नुकसान की बात को स्वीकार कर लिया। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि 31 मार्च 2019 तक बिक्री व्यापार पर कर, माल एवं यात्रियों पर कर, विद्युत पर कर एवं शुल्क वाहनों पर कर, वस्तु एवं सेवा पर अन्य कर एवं शुल्क, भू राजस्व, राज्य उत्पाद, मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस तथा अल्लोह खान एवं धातु कर्म उद्योग पर राजस्व के बकाए में 4107.32 करोड़ थे, जिसमें से 521.07 करोड़ 5 वर्षों से अधिक समय से लंबित थे। रसायन लिमिटेड ने निकाली 513 पदों पर भर्तियां। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी नौकरी के इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों के लिए अहम सूचना। भारत सरकार की महारत्न कंपनियों कोल इंडिया लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा सर्वाधिक और फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के संयुक्त उपक्रम हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड द्वारा 513 नॉन एग्जीक्यूटिव पदों पर भर्ती की जानी है। आवेदन के इच्छुक और योग्य उम्मीदवार हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट hurl.net.in पर उपलब्ध कराए जाने वाले ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से आवेदन कर पाएंगे। ध्यान रहे, आवेदन प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी। पंचायत वार्ड सचिव संघ पर हुआ लाठीचार्ज। बीते दिन गांधी मैदान के पास पंचायत वार्ड सचिव संघ का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। जानकारों की माने तो पंचायत वार्ड सचिव का यह कहना है कि पिछले 4 साल से पंचायत वार्ड सचिव का मानदेय सरकार ने नहीं दिया है, जिस वजह से उन्हें सड़क पर उतरने को मजबूर होना पड़ा। जिसके बाद क्या था, उम्मीदवारों ने अपनी मांग को लेकर विधानसभा मार्च निकालने की कोशिश की। हालांकि पुलिस प्रशासन ने सभी को रास्ते में ही रोकने की कोशिश की, लेकिन संघ के लोग नहीं माने। जिसके बाद क्या था, प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच में झड़प पड़ गई। पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया। हालात अनियंत्रित होता देखकर पुलिस ने वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। वाटर कैनन के इस्तेमाल से प्रदर्शनकारी पीछे हटने लगे, इसमें कईयों को चोट भी आई है। महुआ मोइत्रा के बिहारी गुंडे वाले बयान पर नितिन नवीन ने तेजस्वी से मांगा जवाब। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के द्वारा आईटी कमेटी की मीटिंग में बिहारी गुंडे शब्द का इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद क्या था, बिहार विधानसभा में ही बवाल शुरू हो गया। हालात इतने बिगड़ गए कि पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन तक ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से सवाल पूछा है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने बंगाल में टीएमसी का समर्थन किया है। ऐसे में नितिन नवीन ने तेजस्वी पर आरोप लगाते हुए कहा कि टीएमसी सांसद के बयान ने बिहार को अपमानित किया है, बिहार के लोगों को गुंडा कहा है। बंगाल चुनाव में ममता का तेजस्वी ने खुलकर समर्थन किया था, तब वो टीएमसी के शागिर्द बनकर गए थे। इस अपमान पर उन्हें सदन में जवाब देना चाहिए। उनके भतीजे यहां सदन में नेता विपक्ष बैठे हैं, उनको बताना चाहिए कि टीएमसी के लोगों ने बिहार के लोगों को क्यों गुंडा कहा है। बिहारी पहचान में हम बात करेंगे राजकमल चौधरी की। राजकमल चौधरी का जन्म उत्तरी बिहार में मुरलीगंज के समीपवर्ती गांव रामपुर हवेली में हुआ था। उनका वास्तविक नाम मनिंद्र नारायण चौधरी था, लेकिन स्नेह से लोग उन्हें फूल बाबू कहकर पुकारा करते थे। रामकमल चौधरी हिंदी और मैथिली के प्रसिद्ध कवि एवं कहानीकार थे। मैथिली में स्वरगंधा कविता राजकमलक
आदि कविता संग्रह, एकटा चंपाकली, एकटा विषधर कहानी संग्रह तथा आदि कथा, फूल पत्थर एवं आंदोलन उनके चर्चित उपन्यास है। हिंदी में उनकी संपूर्ण कविताएं भी प्रकाशित हो चुकी है। ऐसा माना जाता है कि राजकमल ने लेखनी की शुरुआत अपनी मातृभाषा मैथिली से की। कहा यह भी जाता है कि नवादा उच्च विद्यालय के एक अपने शिक्षक से प्रभावित होकर उन्होंने लयबद्ध कविताएं लिखी थी, जिसके बाद उन्हें एहसास हुआ था कि वो भी कविताएं लिख सकते हैं। बिहार के कई जिलों में भारी बारिश के अलर्ट। बिहार में बीते 3 हफ्तों के रिकॉर्ड को देखें तो मॉनसून काफी कमजोर नजर आ रहा था। हालांकि कई इलाकों में बीते 2-3 दिनों से बारिश दर्ज की जा रही है। इन सबके बीच मौसम विभाग ने बड़ी अपडेट साझा की है, जिसके तहत मौसम वैज्ञानिकों ने बिहार में बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। 30 और 31 जुलाई को गया, नवादा, औरंगाबाद, कैमूर, रोहतास, नालंदा, भोजपुर, पटना, नालंदा, जहानाबाद, अरवल, भोजपुर, वैशाली, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, लखीसराय और शेखपुरा में बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। हालांकि राज्य सरकार मौसम विभाग की तरफ से मिली जानकारी के बाद अलर्ट मोड में नजर आ रही है। आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिलों को अलर्ट मैसेज जारी कर दिया है। इतना ही नहीं, इस दौरान आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी लोगों से घर पर रहने की अपील की है। खासकर जिन इलाकों में बारिश हो रही है, उन इलाकों में रहने वाले लोगों को खासतौर से बारिश के दौरान घर से बाहर नहीं निकलने की नसीहत दी गई है। मेडिकल कॉलेज में ओबीसी और सामान्य वर्ग का आरक्षण तय। बीते दिन प्रधानमंत्री मोदी ने एक बैठक का आयोजन किया था। इसी बैठक में मेडिकल कॉलेज में दाखिला के मुद्दे को लेकर बड़ा निर्णय लिया गया है, जिसके तहत सरकार ने ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए आरक्षण को मंजूरी दे दी है। इसके तहत अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को 27% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को 10% आरक्षण मिलेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए निर्देश से इस एमबीबीएस में लगभग 1500 ओबीसी छात्र एवं स्नातकोत्तर में 2500 ओबीसी छात्रों तथा एमबीबीएस में लगभग 550 ईडब्ल्यूएस छात्रों एवं स्नातकोत्तर में लगभग 1000 ईडब्ल्यूएस छात्रों को लाभ मिलेगा। इस बाबत मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर तबके को उचित आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है। बिहार में पुलिस पर हाथ उठाने वालों की अब खैर नहीं। पुलिस पर हाथ उठाना अब बिहार में और ज्यादा महंगा पड़ने वाला है, जिसके तहत अब पुलिस के साथ बदसलूकी करने वालों पर पुलिस तो गिरफ्तारी करेगी ही, साथ ही सजा दिलाने की दिशा में भी कार्रवाई की जाएगी। ज्ञात हो पुलिस पर आए दिन हो रहे हमलों पर पुलिस मुख्यालय गंभीर है। इसके अलावा पुलिस को भी छापेमारी या अन्य कार्रवाई से पहले अपनी ओर से पूरी तैयारी और सतर्कता बरतने को कहा गया है। वहीं ग्रामीण इलाकों में पुलिस अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई से पहले जरूरत के अनुसार स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी सहयोग लेने को कहा गया है। आपको बता दें, पिछले 5-6 महीनों में पुलिस टीम पर हमले की घटना में वृद्धि हुई है। इसको लेकर जानकारी डीजीपी एसपी सिंघल ने दी है। राजधानी पटना में शुरू हुआ ग्राम उजाला योजना, पटना वासियों के लिए खुशखबरी। केंद्र सरकार की ग्राम उजाला योजना की शुरुआत बीते दिन से पटना वासियों के लिए हो गई है, जिसके तहत पटना वासियों को अब महज 10 रुपए में एलईडी बल्ब मिलने वाली है। इतना ही नहीं, इस योजना के तहत दिए जा रहे बल्ब के साथ ही पटना वासियों को 3 साल की गारंटी भी दी जा रही है। हालांकि वर्तमान समय में इस योजना की शुरुआत केवल पटना के नौबतपुर, बिहटा और बख्तियारपुर में की गई है। ज्ञात हो, इससे पहले राज्य के भोजपुर, बक्सर, भभुआ, सासाराम, बांका जिले में इस योजना को शुरू किया गया था, जिसके बाद अब जाकर राजधानी पटना में भी इसकी शुरुआत हो गई है। जानकारों की माने तो फिलहाल जिले में 10 लाख बल्ब वितरित करने का प्राथमिक लक्ष्य रखा गया है। बिहार के डाकघरों में मिलेगा राखी स्पेशल लिफाफा। अगले महीने राखी का त्यौहार है। हालांकि बिहार में राखी की धूम सोमवार से ही शुरू होने वाली है। डाक विभाग ने रक्षाबंधन के पहले देश विदेश तक राखी पहुंचाने की योजना तैयार की है, क्योंकि बिहार में सोमवार से ही वाटरप्रूफ स्पेशल राखी का लिफाफा मिलना शुरू हो जाएगा, जिसके तहत ही इस बार डाक विभाग ने सुरक्षित राखी पहुंचाने की व्यवस्था की है। डाक विभाग ने एक लिफाफे की कीमत 10 रुपए रखी है। राखी भेजने पर डाक टिकट अलग से लगाना पड़ेगा। डाक विभाग ने इस बार विदेश भी राखी वक्त पर पहुंचाने की पुख्ता व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री से जल्द ही मुलाकात करेंगे तेजस्वी यादव। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन दिनों विधानसभा के मॉनसून सत्र में जातीय जनगणना का मुद्दा जोर शोर से उठा रहे हैं। वहीं इसी बीच अब इस मुद्दे को लेकर तेजस्वी जल्द ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मुलाकात करने वाले हैं। इस बाबत तेजस्वी यादव ने कहा है कि आज मैंने बिहार विधानसभा में कार्यस्थगन प्रस्ताव लाने का काम किया है, लेकिन कार्यस्थगन अस्वीकृत कर दिया गया है। सब लोग जानते हैं कि जातीय जनगणना को लेकर हम लोग की मांग रही है। इस पर विधानसभा में 2 बार सर्वसम्मति से पास भी इसे किया गया है, फिर भी सरकार कुछ नहीं कर रही है। इसी मुद्दे को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री से मुलाकात करने वाले हैं, जहां वो उनसे मुलाकात करके उन्हें केंद्र के सामने जातीय जनगणना के मुद्दे को उठाने की मांग करेंगे।
पेट्रोल डीजल पर टैक्स घटाने से सरकार ने किया इनकार। बढ़ती महंगाई का मुद्दा बीते दिन सदन में एक बार फिर से उठा। इस मुद्दे के साथ साथ बिहार में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम को भी कांग्रेस ने खूब उठाया, जिस पर ही कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्रा ने महंगाई को लेकर सवाल किया, जिसके जवाब में सरकार ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम को कम करने से इनकार कर दिया। सरकार की तरफ से जवाब दिया गया कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों से नियंत्रित होती है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार के टैक्स में कटौती किए जाने से डीजल और पेट्रोल की कीमतों में मामूली कमी अवश्य होगी, लेकिन जनता को इससे कोई अधिक फायदा नहीं होगा। 1 अगस्त से फिर खुल जाएगा गया एयरपोर्ट। कोरोना के कारण बंद हुआ गया एयरपोर्ट एक बार फिर से शुरू होने वाला है। जानकारों की माने तो विमानों के परिचालन के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी और विमानन कंपनियों ने तैयारी पूरी कर ली है, जिसके बाद अब 1 अगस्त से विमानों का परिचालन फिर से शुरू होने वाला है। कंपनी की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार कोरोना के कारण बंद हुए एयरपोर्ट से विमानों के परिचालन के शुरू होने से अब यात्रियों को रांची और पटना एयरपोर्ट जाने की जरूरत नहीं होगी। इसके साथ ही 1 अगस्त से दिल्ली के लिए एयर इंडिया की फ्लाइट हफ्ते में 4 दिन उड़ान भरने वाली है, जो कि रविवार, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को होगी। बिहार के सभी थानों में बनेगा महिला डेस्क। महिलाओं को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसको लेकर बिहार सरकार ने राज्य के सभी थानों में महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था करने की पहल की है, जिसके तहत राज्य सरकार ने राज्य के सभी थानों में महिला डेस्क बनाने का फैसला लिया है। इस पर महिला पुलिसकर्मी की तैनाती होगी। महिला पुलिसकर्मी फरियादी महिलाओं की मदद करेंगी। पुलिस मुख्यालय ने इस बाबत सभी थानों में महिला डेस्क शुरू करने का निर्देश जारी किया है। 1064 थानों में महिलाओं की सुविधा के लिए महिला डेस्क बनाया जाएगा। थाना में किसी तरह का काम होने पर महिला पुलिसकर्मी फरियादी महिलाओं की मदद करेगी। बिहार में कोविड 19 के मिले 50 से कम मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 46 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 480 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 1, अरवल में 1, औरंगाबाद में 1, बांका में 1, बेगूसराय में 1, भोजपुर में 5, बक्सर में 1, दरभंगा में 1, गोपालगंज में 1, जमुई में 2, जहानाबाद में 1, खगड़िया में 1, लखीसराय में 2, मधेपुरा में 1, मधुबनी में 3, मुजफ्फरपुर में 1, नालंदा में 3, पटना में 6, पूर्णिया में 3, समस्तीपुर में 2, सारण में 2, सीतामढ़ी में 2, सिवान में 1, सुपौल में 2, वेस्ट चंपारण में 1 मामले की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में भागलपुर, ईस्ट चंपारण, गया, कैमूर, कटिहार, किशनगंज, मुंगेर, नवादा, रोहतास, सहरसा, शेखपुरा, शिवहर, वैशाली में 1 भी मामले की पुष्टि नहीं हुई है। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 1,43,658 सैंपल की जांच की गई, वहीं 42 लोग ठीक होकर घर वापस लौटे। लालू यादव ने की तेजस्वी की काबिलियत की तारीफ। इन दिनों बिहार के राजनीतिक गलियारे में राजद की कमान तेजस्वी को सौंपने की चर्चा हो रही है। हालांकि इस मुद्दे को लेकर कई लोगों ने तेजस्वी की काबिलियत पर सवाल उठाया था, लेकिन अब लालू यादव ने अपने जवाब में सबका मुंह बंद कर दिया है, जिसके तहत बीते दिन तेजस्वी को लेकर उठ रहे सवाल पर अपना पक्ष रखते हुए उन्होंने ट्वीट किया कि तेजस्वी में कितनी काबिलियत है इसे पूरे देश ने देखा है। यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जो लोग कहते हैं कि वो लालू का स्थान नहीं ले सकते, मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझसे बहुत आगे निकल चुके हैं। मैंने उन्हें बनाया नहीं है, उन्होंने खुद को साबित किया है। आपको बता दें कि यह बातें लालू यादव ने बीते दिन कोविशील्ड का पहला डोज लेने के बाद कही है। आज मुख्यमंत्री नीतीश जाएंगे दिल्ली। जदयू की राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक शनिवार यानी कि 31 जुलाई को बुलाई गई है। इसी बैठक का हिस्सा बनने मुख्यमंत्री नीतीश आज दिल्ली रवाना होने वाले हैं। जानकारों की माने तो बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश के अलावा सांसद आरसीपी सिंह समेत कई सदस्य शामिल होने वाले हैं, जिसके बाद अब यह कयास लगाए जाने लगे हैं कि 31 जुलाई को होने वाली बैठक में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है। साथ ही पार्टी में कई और अहम बदलाव भी हो सकते हैं। हालांकि कुछ समय पहले ही जदयू के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने भी पार्टी की इच्छा को सर्वोपरि रखने की बात कही थी। राबड़ी देवी ने मुख्यमंत्री से पूछा उनकी चुप्पी का राज। 23 मार्च को हुए विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विधायकों की पिटाई का मामला इस बार भी विधानसभा के मॉनसून सत्र में गरमाया हुआ है, जिसके बाद मॉनसून सत्र के शुरुआत से ही विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रही है। इसी बीच अब राजद की तरफ से बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने सरकार से सवाल किया है, जिसके तहत बीते दिन उन्होंने अपना ट्वीट जारी करते हुए कहा कि लोकतंत्र को कलंकित कराने वाले इस कुकृत्य पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुप क्यों हैं। आपको बता दें, एक तरफ जहां विधानसभा में विधायकों की पिटाई का मामला हर दिन उठाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मुद्दे पर अब तक कोई बयान नहीं दिया है। आशीर्वाद यात्रा के चौथे दिन चिराग पहुंचे पटना। इन दिनों अपने गुट को मजबूत करने के लिए चिराग पासवान आशीर्वाद यात्रा कर रहे हैं।
वहीं बीते दिन आशीर्वाद यात्रा के चौथे चरण के तहत गया, नवादा और नालंदा में दम दिखाने के लिए वो पटना पहुंच गए हैं, जिसके तहत अब चिराग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा में हुंकार भरने वाले हैं, जहां वो 1 अगस्त को जाएंगे। इतना ही नहीं, चिराग जल्द ही बाकी बचे जिलों में भी आशीर्वाद यात्रा करने वाले हैं, जिसके तहत वो आज गया के लिए रवाना होंगे। ज्ञात हो यह इलाका उनके ही बागी सांसद और बाहुबली नेता सूरजभान सिंह के भाई चंदन सिंह का संसदीय क्षेत्र है। हालांकि अभी चंदन सिंह पारस खेमे के साथ खड़े हैं। राजद के कद्दावार नेता को विधानसभा में मांगनी पड़ी माफी। कोरोना के कारण बिहार विधानसभा का मॉनसून सत्र 5 दिनों का है, जिसका आज आखिरी दिन है। वहीं बीते दिन राजद के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र आसन को बेईमान कहकर सदन में बुरी तरह घिर गए, जिसके बाद उन्हें माफी भी मांगनी पड़ी। ज्ञात हो राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने विधानसभा अध्यक्ष पर सदन चलाने में बेईमानी का आरोप लगा दिया। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने शब्द वापस लेने की मांग की। इस पर भाई वीरेंद्र ने कहा कि हमने कोई गलत बात नहीं की है, जिसके बाद उनका काफी विरोध हुआ। वहीं मौके की नजाकत को समझते हुए उन्हें अपना बयान वापस लेना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी स्पीकर का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो विजय चौधरी ने बीच बचाव किया। भारत में जल्द ही आ रही है डिजिटल करेंसी। अब तक आपने डिजिटल कागजात के बारे में सुना होगा, लेकिन अब आपको जल्द ही डिजिटल करेंसी भी देखने को मिलने वाली है। मिली जानकारी के अनुसार आरबीआई जल्द ही चरणबद्ध तरीके से सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च करने वाला है। यह करेंसी रिटेल और होलसेल दो तरीके से उपलब्ध होगी। रिटेल डिजिटल करेंसी का उपयोग आम जनता और कंपनी आसानी से करेंगे, वहीं होलसेल डिजिटल करेंसी वित्तीय संस्थाओं के लिए होगी। आरबीआई की माने तो भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। वैश्विक बाजार में लेन देन के लिए भारत को भी डिजिटल करेंसी का रुख करना होगा। आपको ये भी बता दें कि अब तक चीन और दक्षिण कोरिया समेत 14 देशों ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का परीक्षण कर लिया है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। साइना नेहवाल को 2010 में राजीव गांधी खेल रत्न तथा सुनील छेत्री को फुटबॉल के लिए, झूलन गोस्वामी को क्रिकेट के लिए, राजीव तोमर को कुश्ती के लिए, संदीप सिंह को हॉकी के लिए और 15 खिलाड़ियों को 29 अगस्त को अर्जुन पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई थी। पश्चिम कांगो में 2010 में स्थित बाडुडू प्रांत में बहने वाली कांगो नदी की शाखा कसाई नदी में एक नौका दुर्घटना में 140 से अधिक लोग डूब गए थे। भारत में पावर ग्रिड की बड़ी खराबी के कारण 2012 में 30 करोड़ लोगों को बिना बिजली के रहना पड़ा था। आंध्र प्रदेश में 2012 को एक रेलगाड़ी में आग लग जाने से 32 लोगों की जान गई थी। भारत की प्रसिद्ध महिला चिकित्सक, समाजवादी कार्यकर्ता और पद्म भूषण सम्मानित मुत्तु मित्तल रेड्डी का जन्म 1886 में आज के दिन हुआ था। 18वें शताब्दी के प्रसिद्ध अंग्रेजी कवियों में से एक थॉमस ग्रे का निधन 1771 में आज के दिन हुआ था। व्हाट्सएप को टक्कर देने के लिए भारत में लॉन्च हुआ स्वदेशी ऐप। केंद्र सरकार ने व्हाट्सएप को टक्कर देने के लिए एक स्वदेशी ऐप को रोल कर दिया है, जिसका नाम सैंड्स ऐप है। हालांकि केंद्र सरकार ने अभी इस एप्लीकेशन को सिर्फ सरकारी कर्मचारी और उन एजेंसीज के बीच जारी करने के लिए कहा है जो सरकार से जुड़े हुए हैं। जानकारों की माने तो व्हाट्सएप की तरह नए NIC प्लेटफॉर्म को यूज करना किसी भी व्यक्ति के मोबाइल नंबर या ईमेल के साथ सभी प्रकार के कम्युनिकेशन के लिए किया जा सकता है। ज्ञात हो स्वदेशी मैसेजिंग ऐप विकसित करने का विचार मोदी सरकार को पहले कार्यकाल के दौरान ही आया था, जबकि इस पर वास्तविक काम साल 2020 के शुरुआत में शुरू हुआ था। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 29 जुलाई को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 47,070 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 48,070 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 67,200 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 104.25 रुपए प्रति लीटर और डीजल 95.51 रुपए प्रति लीटर था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है अशोक कुमार, डेविड कुमार, एनके गांधी, धर्मेंद्र कुमार, प्रमोद मुखिया, लकी हब, रविंद्र कुमार यादव, पांडे सुभाष, दीपेश कुमार, अंशु सिंह, फूल कुमारी, अभय सिंह, प्रेम शंकर साहू, लाल बाबू, बबलू कुमार, राजकिशोर यादव, नीरज कुमार शांडिल्य। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम का असर आपके बजट पर कितना पड़ा है? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।